भारत माता की जय। भारत को नमन करता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनके चलते आज यह पुनीत अवसर हमें प्राप्त हुआ है। विद्यालय आज एक नई ऊंचाई पर है। विद्यालय को विगत वर्षों में, आज इस विद्यालय में मुझे द स्टेट टीचर्स अवार्ड मिला, उसके बाद विद्यालय को एक्सीलेंस अवार्ड मिला, हमारे बच्चे नेशनल अवार्ड तक पहुँचे हैं। विद्यालय नई नित नई दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विद्यालय में चारों तरफ पढ़ाई का वातावरण है, हर अध्यापक विद्वान अध्यापक यहाँ अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कोविड के समय में हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी दिया है। बच्चों को हम BBT के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड टेस्ट और CCD कॉपी चेकिंग डे के माध्यम से हमारे विद्यालय में अध्यापकों ने एक नया मुकाम हासिल किया है। हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है। हमने मेहनत के साथ बच्चों को एक नए ऊंचाई तक लाने का पूरा प्रयास किया है। हमारा परिश्रम है कि बच्चे में दिखता है। हमने चरित्र निर्माण के क्षेत्र में काम किया है। हमने बच्चों को एक आदर्श छात्र के रूप में देखने का प्रयास किया है। हमने यह सोचा कि बच्चे हमारे देश के, हमारी पूंजी कहाँ है, वह विद्यालय में है, बच्चों में निहित है। हमने बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए तत्पर होने का हमने काम किया है। हम बच्चों के लिए एक ऐसा दीपक जलाया है कि जिसके लौ में, जिसकी छाया में, जिसके तपन में वो मिठास है, जिसके तपन में वो तीखापन है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसा हमने प्रयास किया है। हमने यह प्रयास किया है कि बच्चे हमारे भगवान हैं, और जब बच्चे हमारे भगवान हैं तो उस भगवान को बनाने का प्रयास किया है। यह काम इस विद्यालय ने किया है। शिक्षा अनवरत है। शिक्षा एजुकेशन दस कंसिस्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट। शिक्षा हमें प्राकृतिक रूप से बच्चों का विकास करता है, एक नए आयाम तक पहुंचाता है, और वो काम इस विद्यालय में हुआ है। हम आज यह देशभक्ति कार्यक्रम, आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम एक ऐसा मेल का पत्थर कार्यक्रम साबित हुआ है कि जो यह बच्चों में संदेश देता है कि हमें अपनी आज़ादी को नहीं भूलना, हमें उस आज़ादी को अक्षुण रहना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जुल्म के बीजों का हम बाग न लगने देंगे, अपने भारत में हम आग न लगने देंगे। ऐ मेरे प्यारे वतन, तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पर हम दाग न लगने देंगे। इस विचारधारा के हम लिए हमने काम किया है, और हमने यह काम किया है कि कर्तव्य में ही सब कुछ है। जिंदगी को जो न समझे उसका जीना व्यर्थ है, और जो करे सत्कर्म उसके जिंदगी का अर्थ है। जो काल से डरे नहीं धरा करे उसे नमन, जो सत्य से डिगे नहीं तपी सम उनके वचन, जो मेल का पत्थर बने यशस्वी उनके शरण, और कर्तव्य जिनका पूजन जिंदगी उनकी हवन, जिंदगी उनकी हवन। बच्चे गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, डांस के माध्यम से देशभक्ति का जो जलवा दिखाया है वो देखते ही बना है। और मैं इस विद्यालय में अशोक कुमार सिंह TDC के पद पर हूँ, और रहते हुए मैथमेटिक्स की जो बारीकियाँ हैं उससे बच्चों को रूबरू कराया है, और यही कारण है कि मैथमेटिक्स का रिजल्ट विद्यालय का अव्वल है, और विद्यालय का रिजल्ट 12वीं का 10वीं का अव्वल है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूँ। यही मेरा प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर की तलाश कर। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।